आज भारत के कोने कोने में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष विधि से पूजा करने से हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? आज हम आपको बताएंगे उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी का पूजन पंचामृत से करें, जिसमें शामिल है दूध, दही, घी, शहद और तुलसी। यह विधि उन्हें अत्यधिक प्रसन्न करती है। बस महाआरतियों का जिसमें लगभग 5 आरती गाएंगे, उसमें शिव जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, 5 आरती कम से कम महाआरती होता है। बहुत से लोग जाते होते बाहर भी। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं क्या उस दिन? बिल्कुल बिल्कुल, स्वर से सस्वर पढ़ सकते हैं, सामूहिक भी पढ़ सकते हैं, अकेले भी पढ़ सकते हैं। लगभग यानी कितनी बार पढ़ सकते हैं, कितनी बार पढ़ना चाहिए कोई किसी? उसमें तो लिखा है जो सदबार पाठ कर कोई छूटे बंदी मास कोई, जितने बार पढ़ लो, एक घड़ी आधी में पुनिया, जितना कर ले उतना उनके लिए कर। अपन कितना कर सकते, जितना कर ले उतना कर, और जितना कर ले उतना भगवान की कृपा बननी चाहिए। रायपुर के पंडित जी बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ अति शक्तिशाली माना जाता है। इसे ध्यान से पढ़ने पर आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती है। इसके अलावा बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ भी बहुत प्रभावशाली है। मान जयंती पर विशेष ये काम करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन विशेष करके उनके पूजा में अभिषेक है, पंचामृत दूध दही घी से पंचामृत अभिषेक। भगवान राम की स्तुति से हनुमान जी को अतिरिक्त प्रसन्नता मिलती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन का जाप करें और देखें कैसे आपकी किस्मत बदलती है। पाठ किया जाता है, खास करके हनुमान जी राम नाम से ही प्रसन्न होते हैं, फिर भी हनुमान जी को प्रसन्न, उनका हनुमान चालीसा प्रमुख माना जाता है। बहुत पावरफुल हनुमान चालीसा में बजरंग बाण में अपनी अपनी श्रद्धा से लोग अपना पाठ करते हैं। कुल मिला के सुंदरकांड पाठ से भी हनुमान जी बहुत पसंद है। रायपुर के संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर में होने वाली महाआरती भी एक भव्य अनुभव होती है। राम जी का है तो राम जी की स्तुति चलता है, श्री राम चंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इस प्रकार की स्तुति। आप भी इन विशेष उपाय को अपना कर इस हनुमान जन्मोत्सव को यादगार बनाएं। लोकल 18 रायपुर से रामकुमार नायक की रिपोर्ट।